तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया? यस बबीता, रेडी हो गया। रात को 2 बजे तक जाकर मैंने ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है। अब मेरे का कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट, ये लो कॉफी लो। थैंक यू वेरी मच। लैपटॉप पे कॉफी गिर गया। माय गॉड, ये लैपटॉप को क्या हुआ बबीता? ये लैपटॉप तो ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया इसको, लैपटॉप को? अय्यर, तुम्हें कॉफी का कप संभाल के लेना चाहिए था ना। लेकिन बबीता, कप कितना गर्म था। अरे गर्म ही होगा ना, तुमने कोल्ड कॉफी थोड़ी मंगवाई थी। अभी लिए लैपटॉप को क्या हुआ? ओ बबीता, प्लीज डू समथिंग। नाउ लेट मी जस्ट चेक। गॉड, एक भी की इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा बबीता? ये प्रेजेंटेशन कितना मेहनत से मैंने बनाया था, अगर जो ये आज लैपटॉप ऑन नहीं हुआ तो मैं अपने सीनियर को क्या मुंह दिखाऊंगा। प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज। गॉड, डोंट पैनिक अगेन प्लीज। तुम एक काम करो ना, तुम लैपटॉप के सर्विस सेंटर में फोन करो ना। हाँ, मेरे पास उनका नंबर है। हाँ, प्लीज। लैपटॉप, हेलो, मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ। मेरा लैपटॉप पर कॉफी गिर गया है, उसने लैपटॉप बंद हो गया है, मेरे को उसको अर्जेंट रिपेयर कराने का है। प्लीज आप किसी इंजीनियर को भेज दीजिए मेरे घर पर। 3 साल पहले लिया था। देखिए प्लीज प्लीज, इसका रिपेयर होना बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है ये। हाँ, ओके ओके ओके। नो, क्या हुआ? बबीता, वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि वो किसी टेक्नीशियन को भेजेंगे, वो लैपटॉप चेक करेगा। अब लैपटॉप 3 साल पुराना है, इसलिए उसके पार्ट मिले नहीं मिले, इसलिए वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा। ओह माय गॉड, तो तुमने इस प्रेजेंटेशन का कोई बैकअप लिया था? अरे नहीं, कोई बैकअप नहीं लिया है, वही गलती हो गया मेरे से। गॉड, मुझे आज ये प्रेजेंटेशन ऑफिस में देना था, अब आज क्या, ये लैपटॉप रिपेयर कैसे होगा? अय्यर, तुम जेठा जी को फोन करो ना। बबीता, जयरा लाल को फोन करने का क्या फायदा? अय्यर, जेठा जी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो हो सकता है उनके पहचान में कोई टेक्नीशियन हो जो तुम्हें ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करके दे दे। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी, चांस ले सकते हैं, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ यार भाई, बोलो। जयरालाल, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अपनी पर्सनल प्रयोगशाला में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ भाई। किधर हो? अरे भाई, सुबह सुबह धंधे के टाइम पे कहाँ होऊंगा यार भाई। अच्छा, दुकान पर हो ना? नहीं, गोडाउन में हूँ। फोन क्यों किया बोलो ना। देखो जयरालाल, मेरे को तुमसे थोड़ा अर्जेंट काम है। मुझसे? हाँ। क्या? मैं तुम्हारा दुकान पर आ जाऊँ? हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, मैं अभी दुकान पर आता हूँ। यार भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है, छोड़ो जो होगा वो। मैं ये लैपटॉप जडाला की दुकान पर ले जाता हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। ओके, अच्छा सुनो, तुम खाना खा के जाओ। बबीता, अभी खाने का टाइम भी नहीं है और मूड भी नहीं है। अय्यर, अभी खाने का नाम लिया है तो खाना खा के जाओ। जस्ट अ सेकंड प्लीज प्लीज, थोड़ा जल्दी करना। बोलिए बोलिए शांति भाई, गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट, मैं अभी गोडाउन में हूँ, मैं दुकान में जाकर नटू काका से बात करके अभी आपको वापस फोन करता हूँ। सॉरी, मैं करता हूँ फोन आपको। अरे नटू काका, अभी वो शांति भाई का फोन आया था, उनको हमने जो चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस हो गया, ये कैसे हो सकता है? आपका ध्यान किधर है? आप रोज बैंक में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, खाली लटर मार के वापस आ जाते हैं? शांति शांति सेठ जी। अरे हाँ भाई, वही शांति भाई का ही फोन था। अरे मैं शांति भाई वाली शांति की बात नहीं कर रहा। तो शांति मतलब कूल डाउन, मैं सब समझाता हूँ। हाँ समझाइए। परसों हमने जो विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 5 लाख का चेक डाला था, वो बाउंस हो गया।
हाँ तो अभी हमने उस चेक के सामने जो जो चेक इश्यू किए हैं वो भी बाउंस हो जाएंगे। बाप रे, तो विद्या वाले को पूछो उसका चेक बाउंस क्यों हुआ। सेठ जी, विद्या इलेक्ट्रॉनिक वालों से बात हो गई है, वो कहते हैं उनका सामने वाला चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए उसके सामने हमारा चेक भी बाउंस हो गया। तो अभी 15 दिन के बाद उनको सामने वाली पार्टी ने चेक डालने को कहा है, तो हमें भी उन्होंने 15 दिन के बाद फिर से चेक डालने को कहा। लेकिन मान लो 15 दिन बाद उनकी वो सामने वाली पार्टी का चेक फिर से बाउंस हो गया, तो क्या हमारा भी चेक फिर से बाउंस हो जाएगा? ये बाउंस बाउंस के चक्कर में मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से चेक बाउंस हो रहा है, ये इतना सब एडजस्टमेंट एक ही दिन में कैसे होगा? नमस्ते जेठा भाई। अरे प्रकाश भाई, आइए आइए आइए। नटू भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, अचानक आज आपने दर्शन दिए। अचानक का नटू काका नहीं बुलाया था पेमेंट लेने के लिए? नटू काका, आपने प्रकाश भाई को आज की तारीख दी थी पेमेंट के लिए? हाँ सेठ जी, 15 दिन पहले मैंने आपसे पूछकर ही उनको आज की डेट दी थी। अच्छा, कितने का पेमेंट है प्रकाश भाई आपका? ज्यादा नहीं है, कुछ 1.5 लाख का है बस। अच्छा, एक छोटा प्रॉब्लम हो गया प्रकाश भाई, क्या मुझे एक पार्टी ने 5 लाख का चेक दिया था, वो आज बाउंस हो गया, तो उसकी वजह से सारा पूरा जो मेरा पेमेंट का गणित है ना बिगड़ गया। तो एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़े दिन रुक जाते तो अगले हफ्ते मैं आपको आपका पेमेंट जरूर कर दूंगा। जीता भाई, आपके पास पैसा पड़ा है, मतलब बैंक में पैसा पड़ा है। थैंक यू। अगले हफ्ते 1 हफ्ते का ब्याज जोड़ के दे देना जीता भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आके लेके जाऊंगा पेमेंट। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू। ओके थैंक यू। मुझे क्या घूर रहे, मेरा चेहरा कोई बैंक का एटीएम नहीं है जो रोकड़े निकलने लगेंगे। और कितने लोगों को आज पेमेंट लेने के लिए बुलाया है? 3-4 लोग और हैं सेठ जी, आपको पूछ के ही मैंने सबको आज की डेट दी है। भगवान, सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए नटू काका, आपको पता है ना मैं जबान का कितना पक्का हूँ। मार्केट में लोग पेमेंट को लेकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देते हैं, भी सब लोग पेमेंट के लिए आएंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे। सेठ जी, आप उनसे मिलेंगे तो कुछ कहेंगे ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप अपना फोन बंद करके शांति से गोडाउन में जाके सो जाइए, यहाँ दुकान में आई विल हैंडल विद केयर, कोई भी आएगा मैं उसे आप तक पहुँचना ही नहीं दूंगा। ये नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाले की आपको जबान है, जाइए गोडाउन में जाके रेस्ट कीजिए। आप संभाल लेंगे ना बराबर? हाँ सेठ जी, विश्वास रखिए। बबीता, बबीता, मैं जेठालाल की दुकान पर जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। ओके फाइन। हाँ प्रथम, मैं तुमको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ, क्या अभी अर्जेंट है? प्रथम क्या है, एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और सारा प्रेजेंटेशन उसी में था, मैं उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ अभी। ओके ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ बबीता? मेरे को अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया है। तो ये लैपटॉप ठीक नहीं करवाना है? हाँ लैपटॉप तो रिपेयर करना ही है, लेकिन बबीता मेरे को ऑफिस भी जाना है। डू वन थिंग, तुम ये लैपटॉप लेकर जेठालाल की दुकान पर चले जाओ और उसको रिक्वेस्ट करना कि ये लैपटॉप आज के आज में रिपेयर है ना, बहुत जरूरी है। मैं कैसे भी करके बॉस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन कल पर शिफ्ट कर दे। ओके, आई विल मैनेज और मैं आज के आज ये लैपटॉप ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ। ओके थैंक यू बबीता। ओके बाय। हेलो विनायक भाई, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके यहाँ से 75,000 का पेमेंट बाकी है, वो याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। कब भेजते हैं? कल, मगर कल जरूर याद करके भिजवा दीजिएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नटू काका। अरे बबीता जी, नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वो जेठा जी से काम था, कहाँ है वो? बबीता जी, सेठ जी तो बाहर गए हैं। ओके ठीक है, तो मैं उनका इंतजार करती हूँ।
क्या करूं, बबीता जी को गोदाम में छोड़ूं, फिर मेरी जुबान। एक काम करता हूं, बबीता जी के लिए जूस मंगवाता हूं, जूस पीकर शायद वो चली जाए। बबीता जी क्या लेंगी आप, ठंडा गरम? नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना सेठ जी मुझ पर गुस्सा करेंगे कि नटू काका मैं दुकान में नहीं था तो आपने बबीता जी को चाय पानी तक का नहीं पूछा। अरे इट्स ओके, वैसे भी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मैं जूस मंगाता हूँ, जूस तो पीना ही पड़ेगा। इट्स ओके फाइन। ओहो फोन बिजी आ रहा है। इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं बाजू में ही दुकान है, मैं खुद आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। अरे नो नो इट्स ओके। नो नो हाँ यार बोलो। हाँ हाँ मैं जेठा जी की दुकान पहुंच गई हूँ, पर वो अभी शॉप में नहीं है तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। अरे डोंट वरी, तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो जाएगा आज। ओके या बाय। मैं जेठा जी को भी फोन करती हूँ। फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है उनका? आइए इधर रखिए। बबीता जी आप? हाँ मैं जेठा जी के लिए वेट कर रही हूँ। नट्टू काका कहाँ गए? वो जरा बाहर गए हैं। बबीता जी आप जरा गोडाउन बैठेंगे, मुझे थोड़ा सामान उतारना है इधर। ओके नो इश्यूज या। बबीता जी आपका जो मगन? हाँ जी। बबीता जी गई? गई। अरे मैं उनके लिए जूस लाया था। कोई बात नहीं मैं ही पी जाता हूँ। नट्टू काका ये क्या किया, मैंने बबीता जी को तो गोडाउन में बैठने कहा है। बबीता जी को गोडाउन में बिठाया? डर डाया तूने ये क्या किया, पकड़ बबीता जी को गोडाउन में। बबीता जी आप यहाँ? जेठा जी आप यहाँ? ये मेरा ही गोडाउन है ना? हाँ लेकिन नट्टू काका ने कहा कि बाहर गए हो, मैं तो आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? नट्टू काका बबीता जी आधे घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी आप यहाँ है तो इसमें कौन है? मगन। फोन रख मगन। क्या है? What this? नट्टू काका? बबीता जी बेचारा आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रहे, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी आप टेंशन में थे, आप आराम कर रहे थे और मैंने आपको जबान दी थी कि कोई भी आए मैं उसे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे बबीता जी कोई भी नहीं है, बबीता जी है, ये घर के हैं, इतना भी नहीं पता आपको?
सॉरी बबीता जी. इट्स ओके नेटो काका. थैंक यू. ओ नो. तब क्या हुआ? सेठ जी, मुझे लगा कि बबीता जी घर चली गई, इसलिए उनके लिए जो जूस लाया था वो मैं पी गया. कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने. अरे क्या अच्छा किया बबीता जी, नट्टू काका क्या गलती पे गलती कर रहे हैं आप. अभी कभी जाइए फटाफट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक लेके आइए, जल्दी फटाफट चलिए. जी अभी लेकर आता हूँ. नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है. मुझे तो बस अय्यर का ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करवाना है. वो उसने आपको फोन किया था ना? एक्चुअली वो खुद ही आने वाला था, पर उसे अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ा, तो इसलिए मैं ही आ गई. नहीं, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आप आ गए. अच्छा किया आप आ गए बबीता जी. ये लाइए, मैं ले लेता हूँ, बेफिक्र हो जाइए. ये समझिए लैपटॉप रिपेयर हो गया. आइए दुकान में चलते. आइए आइए. थैंक यू सो मच. आइए आइए मेरे दुकान. मुझे सुबह फोन आया था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्या काम था. चल लैपटॉप बिगड़ गया. हाँ, वो सुबह अय्यर के हाथ से कॉफी गिर गई लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पूरा बंद हो गया. ये तो गलत है बबीता जी. नहीं, उनको आपके हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती है तो प्यार से बोल देना चाहिए. ऐसे लैपटॉप पे गिरा क्या क्या फायदा है, तो नुकसान ही हो गया ना. अरे नहीं नहीं, कॉफी गलती से गिरी थी. अच्छा गलती से? नहीं तो बराबर, गलती तो किसी से भी हो सकती है. जीठा जी, ये लैपटॉप आज का रिपेयर होना बहुत जरूरी है. क्या है ना, अय्यर का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है. बबीता जी बेफिक्र रहिए, लैपटॉप आज का रिपेयर हो जाएगा. मंटू काका, बागा को बुलाइए, बागा फटाफट कर देगा. अरे वाह, बागा को लैपटॉप भी रिपेयर करना आता है. अरे लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला फटाफट कर देता है. तो मैंने ट्रेनिंग ही उसको ऐसे दी है. क्या है, हमारा एक वापस उद्देश्य है. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी कस्टमर आए खरीदी के लिए या रिपेयरिंग के लिए, खुश होके ही जाना चाहिए वापस. मिंटू काका, बागा को बुलाइए. बागा नहीं है सेठ जी. नहीं है मतलब? सवेरे आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा और दुकान छोड़कर चले जाने के लिए कहा तो बेचारा चला गया. आपने बागा को दुकान से निकाल दिया? नहीं नहीं, अरे नटो काका कुछ भी बोल रहे हैं. अरे एक छोटी सी गलती की बच्चे ने, तो प्यार से जरा डांट दिया उसको. दुकान से निकाला नहीं है क्या? कुछ भी बोल रहे नटो काका. देखिए जेठा जी, अगर ये लैपटॉप आपसे रिपेयर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और से करवा लूंगी. बबीता जी, मेरे होते हुए आप कहीं और जाएंगे? अरे मैंने आपको जबान देना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा. जबान दी तो दी, अभी जब तक रिपेयर किया हुआ लैपटॉप आपके हाथ में नहीं रखूंगा तब तक मैं अपनी जबान आपसे वापस नहीं लूंगा. ओके, आई ट्रस्ट यू. अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू. ओके, सी यू देन, बाय. बेफिक्र होकर जाइए, आइए मैं आपको छोड़ दूँ. अरे नो नो, इट्स ओके. अरे नहीं, आइए दरवाजे तक तो छोड़ दूँ. थैंक यू. संभल के जाना और पहुँच के एक फोन कर देना. जी जी, ओके. रिक्शा रोक. हाँ, रिक्शा भी मिल गया. ओके. नटू काका, फटाफट सर्विस सेंटर में जाओ और ये लैपटॉप रिपेयर करवा के लेके आओ. सेठ जी, सर्विस सेंटर वाले आज के आज रिपेयर करके नहीं देंगे, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे. 4-5 दिन नहीं है, अपने पास सिर्फ 4-5 घंटे हैं. सुना नहीं बबीता जी ने क्या कहा, आज के आज लैपटॉप रिपेयर होना चाहिए. आज के आज रिपेयर तो एक ही आदमी कर सकता है. कौन? बागा. हाँ तो फोन करो उसको, मैं बात करता हूँ उससे. सेठ जी, मैं कब से उसे फोन करने की ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है. तो रूट के यहीं कहीं आसपास बैठा होगा, जाइए ढूंढ के लेके आइए. जाइए. ठीक है. जल्दी जल्दी नटू काका. दोस्तों, बबीता जी पे अपनी जान नौछावर करने वाले जेठालाल की जान इस वक्त बाघा में अटकी हुई है, क्योंकि बाघा का मिलना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बाघा ही बबीता जी का लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं. भाई, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम छोटी छोटी बात पे नाराज होकर अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने नौकर से रिश्ता तोड़ देते हैं.
लेकिन ये रिश्ते बचा के रखने चाहिए, क्योंकि जीवन भर एक दूसरे की शक्ल न देखने की कसम खाने वालों को कब एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए ये तो ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता। और इस वक्त जेठालाल भी इसी दुविधा में, क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे बबीता जी को लैपटॉप रिपेयर करके देने का, क्या उन्हें बाघा मिलेगा, और मान लीजिए बाघा मिल भी गया तो क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लौट के आएगा? भाई बाघा लौटेगा या नहीं ये तो इस वक्त मैं क्या जानूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घरों में हंसी हमेशा बनी रहेगी, कहीं जाएगी ही नहीं कि उसे लौटने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप देखते रहेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।